सामने आए हूं कि साक्षात रूप में अपने बीच में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पर पैदा हुए, वहीं की हवा पानी और माटी में पलकर बड़े हुए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत किसानों और गरीबों के मसीहा, सामाजिक आर्थिक आधार पर उद्योगों को लगा के किसानों की दरिद्रता को दूर करते हुए सारे विदर्भ में, विशेषकर नागपुर में नाम की तरह से लोग इनका नाम लेते हैं, ये मैंने खुद जाकर वहां पर गांव गांवों में देखा। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी गडकरी और भी ज्यादा धन्य हम अनुभव करते हैं। इतिहास में सुना होगा हमने, ऋषियों मुनियों की ये भूमि है, गार्गी राजा भोग की पुत्री विद्योत्तमा महान विदुषी और उसी क्षेत्र को आज प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में और मदारसा देवी दुर्गा माता जीजाबाई जैसे वीरता के भावों से भरी हुई हमारी परम श्रद्धेय बहन श्रीमती जी सुषमा स्वराज को अपने बीच में बोलने उठती है। मैं टेलीविजन पे जो लाइव प्रोग्राम आता है मैं प्रतीक्षा में रहता हूं और मैं महसूस करता हूं केवल संसद ही नहीं सारा देश उस समय इनके चारों तरफ इनकी बातों के लिए हिलोरे ले रहा होता है। हमारे बीच में आज इस गठबंधन के भाजपा अजा गठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष धर्मपाल जी मलिक भी हमारे बीच में मौजूद है, हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। और हमारे बीच में वैदिक संस्कृति के संवाहक आर्य मित्र सेन जी, उनके सुपुत्र आर्य संस्कारों से आउटपुट कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी को निरंतर प्रगति की ओर ले जाते हुए हरियाणा के माननीय अध्यक्ष श्री किशन पाल जी गुर्जर, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ आए हम अपने बीच में पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के रामविलास जी शर्मा का भी स्वागत करते हैं और सभी और जो नेता आए हैं उन सबका भी हम यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, पहली बात तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष आपसे चिर परिचित अच्छी तरह से बहन सुषमा जी को, जो हरियाणा के राजनीति के नब्ज को भी अच्छी तरह से पहचानती हैं, जो आज तक हमने निर्णय लिए आप उन सबसे सारे के सारे सहमत हैं, आप खड़े करके विलक्षण बात और मैं बताना चाहूंगा। आज सर्वे करा के देख लें प्रेस के मेरे भाई, सीआईडी वाले हैं तो बाद में वो सर्वे करा के देख ले, एक आदमी से पूछ के देख ले,
एक एक कार्यकर्ता यहाँ अपने साधनों से आया हुआ, हमने किसी को एक भी साधन नहीं दिया। का एक भी बूथ ऐसा नहीं है जिससे कार्यकर्ता यहां इस सभा में शामिल नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय बहन जी, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं ये एक एक नहीं है, इनके पीछे सौ सौ हजारों हजारों आदमी और हैं। यहां जो आज ये एकत्रित हुए हैं, इनकी जो संख्या आप देख रहे हैं इलाकों में, और चार चार पांच पांच वोट अपने घर के लिए छोड़ के आए हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं उन सभी की ओर से, करनाल की लोकसभा से आपकी 100% सुरक्षित आपकी झोली में आज खड़ी हुई है। परंपरा से ये कांग्रेस की रही सीट करनाल की, कुछ विशेष परिस्थितियों में एक दो बार इधर उधर हुई हुई, आने वाले समय में आपका जज्बा बता रहा है ये परंपरा से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत का, राष्ट्रवाद के सिद्धांत का शंखनाद करने के लिए भारत को वही सोने की चिड़िया जो प्राचीन काल में हुआ करता था उस शिखर पर, विश्व के शिखर पर ले जाने के लिए और समाज में समरसता स्थापित करने के लिए कोई भी उपेक्षित न रहे, सबका समान विकास हो, और इसी अपेक्षा से और आशा से आप लोग यहाँ आज मौजूद हैं, और आपके नेता आपको इस बात का विश्वास देंगे कि ये उत्तरी हरियाणा का इलाका है जो आज तक उपेक्षित रहा है, विकास के मामले में, रोजगार के मामले में और प्रशासन के मामले में आगे से ये उपेक्षित रहने वाला नहीं। गठबंधन है, हम सबका साथ लें, कुछ का साथ लें, कुछ का साथ कुछ को साथ दें, और एक बड़ा कार्यक्रम है इसमें भूलें भी हो जाती हैं, यहां भी भीड़ भड़का हो गया था, इस बात के लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। आज हम मिलकर सब कुछ नया करें, उससे माफी मांग लें और कुछ को माफ करें, और एक संकल्प और हम लेके जाएंगे आज यहां इस सभा से, इस आने वाले लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को जनता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएं। जय भवानी, जय भवानी।